सेवा के एक साल हुए हैं और हम सारे फर्ज पूरे कर रहे हैं। जले दीप से दीप निरंतर गहन तमस मिट जाए, संस्कार संस्कृति समागम सुध जन ही हर्षाए। एक दीप एक अलख जो हमारी राहों को रोशन करता जाएगा और हम उस राह पर आगे बढ़ते हुए अपने झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए अपना अपना सहयोग देते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी गणमान्य अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार के गठन के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज का ये भव्य समारोह, ये सीएसआर नीति का विमोचन, नई नीति के अंतर्गत सीएसआर अथॉरिटी की स्थापना की गई है जिसके तहत राज्य सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रोजेक्ट्स की सूची बनाएगी जो झारखंड के पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास लाने में मदद करेगी। तालियां आपके तरफ से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कई विभिन्न क्षेत्रों में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, खेलकूद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा सीएसआर नीति के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी सीएसआर नीति के विमोचन के लिए, साथ ही साथ मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद सीएसआर नीति के विमोचन के लिए। आपको बता दें झारखंड खेल नीति 2020 तैयार की गई है, इसे संबंधित एक वीडियो। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया झारखंड खेल नीति 2020 का अनावरण करें। झारखंड की खेल नीति 2020 का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, साथ में सभी गणमान्य अतिथि मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण के कर कमलों द्वारा झारखंड खेल नीति 2020 का अनावरण। तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड खेल नीति 2020। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही साथ सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आज के इस शुभ अवसर पर सौगातों की बरसात होने वाली है, राज्य सरकार के गठन के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राज्य स्तर पर 5,42,260 लाभुकों के बीच 962.5 करोड़ रुपए की राशि का परिसंपत्ति का वितरण, जिला स्तर पर कुल 6,20,694 लाभुकों के बीच 2,303.14 करोड़ रुपए की राशि का परिसंपत्ति का वितरण, और इस तरह से राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में दोनों को मिलाकर आज कुल 11,62,954 लाभुकों के बीच कुल 3,265.64 करोड़ रुपए की राशि की परिसंपत्ति का वितरण किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी एवं पूरे झारखंड सरकार के लिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अपना एक घर हो इसी सपने को साकार करती हुई ये योजना। गृह प्रवेश आज कराया जा रहा है, लाभुक सांकेतिक रूप से इस समय आएंगे। रांची की श्रीमती सुनीता उरांव, अब दुमका से श्री अमर मेहतर जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभुक आएंगी श्रीमती जसवा देवी गिरिडीह। तालियां आपकी तरफ से। मैं निवेदन करती हूं हमारे अभिभावक आदरणीय गुरुजी से, कृपया नियुक्ति पत्र प्रदान गृह प्रवेश के लिए इन्हें लाभान्वित करें। तालियां आपके तरफ से आदरणीय गुरुजी के द्वारा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड श्री शिबु सोरेन जी के कर कमलों द्वारा श्री मजरूल हक, साहेबगंज से श्री मजरूल हक, श्री आरपीएन सिंह जी, माननीय पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत सरकार और अब मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपको बताएं आज के अवसर पर 4 अल्पसंख्यक, 4 एससी तथा 4 एसटी के लाभुकों को परिसंपत्ति दी जा रही है। 4 लाभुक हैं जिन्हें जिनका नाम मैं ले रही हूं, श्री ललित सिंह मुंडा, श्री हिलेरियस कच्छप, श्री संजय कुमार श्री संजय कुलदीप तिरु और श्री नवीन लिंडा। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध, एक बार फिर कृपया सांकेतिक रूप से 2 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करें। श्री संजय कुलदीप तिरु कर्रा खूंटी महिंद्रा स्कॉर्पियो B6 की चाबी प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां आपकी तरफ से जोरदार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत केवल और केवल आर्थिक गतिविधियों को बल देने के लिए, स्वरोजगार, स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए ही ऋण देय होगा। तालियां एक बार जोरदार आपकी तरफ से, इतनी बड़ी संख्या में आप हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री नवीन लिंडा सतरंजी हुलहुंडू महिंद्रा स्कॉर्पियो B6 की चाबी और इसके बाद खिलाड़ी कल्याण कोष के तहत लाभार्थी आएंगे। सबसे पहले जगन्नाथ गागरई राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी खिलाड़ी, 26वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2019 जो ओडिशा कटक में हुआ था, स्वर्ण पदक के विजेता हैं ये। तालियां जोरदार। माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं खुद रूबरू होते हुए। विमला मुंडा राष्ट्रीय स्तर के कराटे खिलाड़ी, 34वीं राष्ट्रीय खेल 2011 में रजत पदक विजेता एवं राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2018-2019 के स्वर्ण पदक विजेता, 1,00,000 रुपए की सहायता राशि आज इन्हें प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आ गई है शिलान्यास की बारी। आज के पावन अवसर पर आपको बताएं कुल 1,710.26 करोड़ रुपए की कुल 171 योजनाओं का आज शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध, कृपया विभिन्न विभागों की 20 योजनाओं का शिलान्यास मंच के बाईं ओर लगी पट्टिका का अनावरण करके करें। मंच के बाईं ओर लगी पट्टिका का अनावरण कर आज 20 योजनाओं का शिलान्यास माननीय
मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, साथ में हमारे गणमान्य अतिथि। आज कुल 1,710.26 करोड़ रुपए की कुल 171 योजनाओं का शिलान्यास, कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास। आदरणीय गुरुजी, श्री आरपीएन सिंह जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, साथ में हमारे झारखंड सरकार के मंत्रीगण, तालियां जोरदार आपकी तरफ से। ये 20 योजनाओं का शिलान्यास, कुल 1,710.26 करोड़ रुपए की लागत, 171 योजनाओं का शिलान्यास आज किया जा रहा है। और इस समय 20 योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गुरु जी एवं सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण, हमारे झारखंड सरकार के मंत्रीगण, ये शिलान्यास। और इस समय एक इस ऐतिहासिक पल को, इस यादगार पल को हम सभी कैमरे में कैद करना जरूर चाहेंगे। तो मैं निवेदन करती हूँ आप सभी गणमान्यों से कि कृपया शिला पट्टिका के पास आप सभी एक ग्रुप फोटोग्राफ हमें दें, ताकि हम इस पल को लंबे समय तक जहन में रखें, लंबे समय तक इसे यादगार बनाएं, इन यादों को हम संजो कर रख सकें। तालियां आपकी तरफ से। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गुरु जी, हमारे साथ माननीय श्री आरपीएन सिंह जी एवं झारखंड सरकार के सभी मंत्रीगण एक साथ आज के इस शुभ अवसर पर, ये प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय गुरु जी का एवं सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का। और अब हम सीधे जुड़ने वाले हैं जामताड़ा से। नारायणपुर जामताड़ा में 132/33 केबी ग्रिड स्टेशन का शिलान्यास किया जा रहा है। हम सीधे जुड़ रहे हैं जामताड़ा से। फिक्स फ्रेम रखना, फ्रेम फिक्स रखना, फ्रेम फिक्स। पंडित जी शुरू कीजिए उधर। इरफान जी बहुत बहुत मुबारक हो, चलिए शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। शुरू कीजिए इरफान जी, शुरू कीजिए। आप शिलापट खोलिए, हम लोग आपको देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर आपको, आपके कारण सर जामताड़ा को क्या बिजली मिलेगी सर, बिजली के क्षेत्र में क्रांति आएगी सर। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग वहां पर हैं, अभी शिलान्यास हुआ है और आप लोगों के देखरेख में ये जल्दी से जल्दी तैयार हो और जामताड़ा वासियों को बिजली का पूरा पूरा लाभ मिल सके, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, यहाँ की जनता की ओर से जामताड़ा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। इसी तरह सर जामताड़ा भी विशेष नजर रखें सर, धन्यवाद आपको सर। जी जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जनता की उम्मीदों के मुताबिक राज्य को कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचाया, अपनी कुशल शैली से राज्य को गति दी, कोरोना संकट में जनता की उम्मीदों के मुताबिक काम किया। हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री
रामेश्वर उरांव जी को उनके संबोधन के लिए। स्वागत करें माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी का। परम आदरणीय गुरु जी, हमारे मुख्यमंत्री गुरु जी के सुपुत्र हेमंत सोरेन जी, जो हमारे गठबंधन सरकार के प्रमुख हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रभारी परम आदरणीय आरपीएन सिंह जी, हमारे साथी मंत्री बादल जी, सत्यनारायण भोक्ता जी, सभी माननीय विधायक सांसदगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मंचासीन साथियों, आज ही के दिन झारखंड सरकार का गठन हुआ था। एक साल हम पूरा कर रहे हैं। पहले तो हम भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे हमारे नेता, सरकार के नेता परम आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, उनके सफल नेतृत्व का, और कोरोना संकट में जो वैश्विक संकट है पूरे देश में, पूरे विदेश में, सभी दुनिया में है, जो संकट अमेरिका जैसे समृद्ध देश को भी हिला दिया जिस संकट ने, उसमें हम काम किए परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, और आज हम सफलतापूर्वक एक साल पूरा किए। अगर लेखा जोखा लें इस साल के कामकाज का, सरकार का, तो मैं सबसे पहले, अभी तो भोक्ता जी ने गिनाया हम क्या क्या किए इस पीरियड में सफलतापूर्वक, लेकिन मैं एक नाम लेना चाहूँगा एक काम का, जिसमें जिसने लोगों के दिलों को, जो दिलों से सरकार को जोड़ा, और वो है सरना कोड को विधानसभा से पारित कराना। सरकारें बनती हैं, जनता वोट देती है, सरकारें बनती हैं, सरकार जनता को देती है, सरकार बनने पर गठन के बाद दिया, हमने भी दिया, रोड दिया, बिजली दिया, अनाज दिया, पानी की व्यवस्था की, कृषि लोन की को माफ़ करने की व्यवस्था की है, हम सारी चीज़ें किए। इससे लोगों का दिमाग भले जुटे, संतुष्ट हो, लेकिन दिल नहीं जुटता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने ऐसा काम किया कि आदिवासी इलाके में कभी भी भविष्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी पार्टी आवे सरकार बनावे, लेकिन हेमंत सोरेन को लोग, हेमंत जी को लोग नहीं भूलेंगे कि उन्होंने ही पहल की। और सबसे मांग इनकी बहुत पुरानी थी, सब सरकारों ने सुना, सुनकर बहरा हो गए, बहरा दिए, लेकिन ये संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने पहल की। अब सबसे पहले उन्होंने सरना कोट दिया लोगों को, और आज आदिवासी इलाके में जाके देखे कि क्या असर है, आदिवासी इलाके में जाके देखे क्या असर है। यही कहते हैं लोग कि वर्तमान सरकार है जो कहती है करती है, बाकी पुराने सरकार जो थे कौन क्या थे हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन थी खाली वादा खिलाफी करती थी। इलेक्शन जब आवे तो लोग बोलते थे कि देंगे, सरना कोट देंगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया, इसी सरकार ने दिया। इस सरकार में देखिए हमारे पास चुनौतियाँ आई प्रवासी मजदूरों को लाने की, उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कैसे हुआ, जहाज से भी लाए गए लोग,
दूसरी चुनौती हुई हमारे सामने खाद्यान्न देने की, किस तरह से हुआ उसमें भी लोग जानते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से हम जोड़ रहे हैं, उसके बारे में बोलेंगे, उसके बारे में बोलेंगे। 15 लाख को हम जोड़ रहे हैं। अब ये भी कहेंगे हम कि हेमंत जी की सरकार के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में भी जो बच्चे बच गए हैं खाद्यान्न के लिए, जिनको कार्ड नहीं है जिनके पास, उनको भी हम देंगे सर्वव्यापी खाद्य सुरक्षा, स्टेट खाद्य सुरक्षा का हम इंतजाम करने जा रहे हैं बगल के राज्यों के तर्ज पर। ये बताना चाहते हैं, आज ऐतिहासिक दिन है। मुझे याद पड़ता है जब मैं पार्लियामेंट में एमपी हुआ करता था, 2007 का समय था, चिदंबरम साहब ने, कांग्रेस सरकार यूपीए की सरकार थी जिसमें झारखंड पार्टी जेएमएम भी सहभागी पार्टी थी, सहयोगी पार्टी थी, पहला हिंदुस्तान में लोन वेवर 2007 में यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया। आज बड़ी खुशी है कि फिर कांग्रेस और जेएमएम के सहयोग से चलने वाली हेमंत सोरेन की सरकार ने यही सौगात हमारे किसानों को दिया है। ये वेब लेना साधारण चीज नहीं है, किसान कितने खुश हैं ये आप जाके देखिए। बनपट्टा, बड़ी उम्मीदें जगाए हम लोगों ने यूपीए सरकार में, एफआरए कानून पास किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट का काम भी शुरू हुआ, लेकिन अफसोस है कांग्रेस को छोड़कर जो सरकारें कांग्रेस चलती तो वहां तक काम खूब हुआ, लेकिन दूसरी पार्टियों की सरकारें जहां रही बनपट्टा पर कोई ध्यान, बनपट्टा देने पर ध्यान नहीं दिए गए। बड़ी खुशी है कि वर्तमान सरकार, मैं जगह जगह से बात करता रहता हूं जिलों से, इस बार बनपट्टा देने का काम आज ही के दिन बहुत से जिला मुख्यालय में डीसी लोग कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात बनपट्टा। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं फिर आप सबों को, यहाँ की पूरी जनता को शुभकामना देता हूँ कि आपका फैसला जो हुआ था इस सरकार को बनाने में और पहले की सरकार को हटाने में, आपका फैसला, आपको, आप निश्चिंत रहिए, आपका जो फैसला हम कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे। खास करके हम बधाई देंगे, शुभकामना देंगे अपने युवा मुख्यमंत्री को, हेमंत जी को, कि आगे बढ़ें, जुग जुग जिएं और जब तक रहें झारखंड का मुख्यमंत्री बने रहें, जनता का आशीर्वाद लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे जोश के साथ। और अब मैं निवेदन करूंगी, कृपया 38 पेयजलापूर्ति योजनाओं का बटन दबाकर उद्घाटन करें। ये 80 करोड़ लागत की योजनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब परिसंपत्तियों एवं ऋण का वितरण किया जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 3000 लाभुकों को 500 करोड़ की राशि की परिसंपत्ति प्रदान की जाएगी। मैं निवेदन करती हूं माननीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी से कि कृपया लाभुक श्री गौतम कुमार शर्मा साहबगंज को ये परिसंपत्ति प्रदान करें। स्टील फर्नीचर फैब्रिकेशन ऋण राशि 9 लाख रुपए की। श्री गौतम कुमार शर्मा एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत केवीआईसी की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ये लाभ, ये ऋण बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया श्री संजय बनरा जी को ऋण राशि प्रदान करें। 5 लाख रुपए की ऋण राशि चाईबासा के श्री संजय बनरा को। माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी से मैं सादर निवेदन करती हूं। तालियां हर बार आपकी तरफ से जोरदार होती रहें।
अब मैं माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी से सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया वन पट्टा का वितरण करें। लोहरदगा से श्री बुधवा उरांव ग्राम प्रधान, कुल रकबा 51.86 एकड़। आज के इस अवसर पर आपको बताएं कि जहां पिछले साल 14 साल में सिर्फ और सिर्फ 104,000 एकड़ के लिए पट्टा दिया गया, वहीं पिछले एक वर्ष में वर्तमान सरकार के अंतर्गत 77,347 एकड़ और साथ ही साथ जो लाभार्थियों की संख्या है वो है 75,379। एक बार जोरदार तालियां। और इनमें से 3,451 व्यक्तिगत और 582 सामुदायिक पट्टा है। दूसरे लाभुक पश्चिमी सिंहभूम के ज्योतिन बिरवा प्रधान हाटगर्मिया, कुल रकबा 51.11। ज्योतिन बिरवा। अब मैं निवेदन करती हूं माननीय विधायक बंधु तिर्की महोदय से कि आप इन्हें ये प्रदान करें सर वन पट्टा। तालियां जोरदार होती रहे आपकी तरफ से। और इसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाएगा। लाभुक आएंगी बेबी देवी, ऋण राशि है 10,000। मैं निवेदन करती हूं आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री धीरज साहू जी से, आप इन्हें यह ऋण प्रदान करें। आज आपको बता दें कुल 2,300 लाभुकों को 23 करोड़ की राशि का ऋण प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। बेबी देवी को इस समय 10,000 रुपए की ऋण राशि। और अब मैं, हमें बड़ी खुशी है कि आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आपके कर कमलों द्वारा सखी मंडलों को यह राशि प्रदान की जाए। श्रीमती ममता देवी ग्राम खजूरी गढ़वा पार्वती आजीविका सखी मंडल, ऋण राशि 5,00,000 रुपए। आज आपको बता दें 30,000 सखी मंडलों को 300 करोड़ की राशि बैंक क्रेडिट लिंकेज के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है। 30,000 सखी मंडलों को 300 करोड़ की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज इस मौके पर कई योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। सार्वजनिक धन और विकास, सार्वजनिक धन और किसान के कल्याण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान है। हम माननीय से आग्रह करते हैं कि फसल राहत योजना का शुभारंभ बटन दबाकर करें। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की मार से झारखंड के कर्मठ किसान को फसल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी यहाँ के किसानों को अपेक्षित राहत नहीं मिल पा रही है। बीमा के प्रीमियम पर खर्च की तुलना में फसल राहत का भुगतान नगण्य है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बदले एक नई योजना झारखंड राज्य फसल राहत योजना लेकर आई है, जो किसानों के लिए मददगार होगी। इस योजना में फसल की बुवाई से कटाई के बीच किसी भी तरह का नुकसान होने पर किसानों को सीधे राहत पहुंचाई जाएगी। उन्हें कोई प्रीमियम या राशि खर्च नहीं करनी होगी।
योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन किया गया है तथा एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर किसानों को अपनी फसल की पूरी जानकारी डालनी है। नुकसान होने पर किसानों को ऑनलाइन ही आवेदन करना है। किसान के आवेदन करते ही इसकी जानकारी संबंधित अंचल कार्यालय को मिल जाएगी तथा उनके अधिकारी नुकसान का आकलन करके अपना प्रतिवेदन देंगे। नुकसान का सत्यापन होते ही बैंक के माध्यम से किसान को फसल के नुकसान की निर्धारित रकम उनके खाते में भेज दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को आधार नंबर के सहयोग से ऑनलाइन निबंधन कराना होगा। निबंधन अथवा फसल के नुकसान के लिए वो स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या प्रखंड स्तर पर निर्धारित एजेंसियों से मात्र 40 रुपए का भुगतान कर ये सहयोग ले सकते हैं। सरकार का ये एक छोटा योगदान ताकि खेती न छोड़े किसान। धन्यवाद महोदय। अब हम आमंत्रित करते हैं पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री आरपीएन सिंह जी को उनके संबोधन के लिए। मंच पे उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड के लिए त्याग और बलिदान की मूर्ति आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद परम श्रद्धे आदरणीय गुरुजी, मंच पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश्वर उरांव साहब, हमारे नौजवान कृषि मंत्री आदरणीय बादल साहब, हमारे मंत्री आदरणीय वक्ता साहब, मंच पे उपस्थित मान्य सांसद विधायकगण, अधिकारीगण, अतिथिगण, बुजुर्गवाद भाइयों बहनों और मेरे नौजवान साथियों, एक साल पहले इसी मंच से मुझे वो दृश्य आज भी याद है जो हर्ष और उल्लास था जब माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे और देश भर से राहुल जी से लेकर देश भर से मुख्यमंत्री और नेता उनके शपथ ग्रहण में आए थे। मैंने उस दिन देखा था कि झारखंड के लोगों के आंखों में एक भरोसा था कि अब हमको ऐसा एक मुख्यमंत्री मिला है जो कहेगा, जो कहता है वो करके दिखाएगा। बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं मैं कि इन एक साल में हमारी इस गठबंधन की सरकार ने जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में बातें रखी थी, उनमें कई बड़े बड़े निर्णय हमने लिए हैं। पर आप साफ तौर से जानते हैं कि एक साल में सिर्फ झारखंड में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, परंतु पूरे देश में जो कोविड की महामारी चली है तो हम सबकी जिंदगी में बहुत तकलीफ फैलाने का काम उसने किया। परंतु एक साल के बाद हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी की जो गठबंधन की सरकार है, जो मजदूरों के लिए, जो हमारे प्रवासी मजदूर थे उनके लिए जो काम किया इस सरकार ने, मैं समझता हूं किसी प्रांत ने ऐसा काम नहीं किया होगा। लोग बस और ट्रेन से लाए जा रहे थे, इस सरकार ने हवाई जहाज तक मजदूरों को झारखंड में लाने का काम किया, किसी और प्रदेश ने नहीं किया। गरीब प्रदेश कोविड के वजह से, लॉकडाउन के वजह से हमारे मजदूर भाइयों के झारखंड के वापस प्रवास होने के बावजूद राशन सबको दिलाने का काम किया, किचन सब जगह बनाए गए जहां आम आदमियों को हाईवे तक पर भोजन देने का काम किया। और जो काम आपने हेमंत सोरेन जी ने किया वो सराहनीय रहा और उसके लिए पूरा झारखंड को मैं बधाई देता हूं। सिर्फ झारखंड की सरकार नहीं, यहाँ के झारखंड के वासियों ने भी जो बढ़ चढ़ के काम किया, यहाँ के संगठनों ने काम किया, उनको भी आज इस मंच से मैं बधाई देना चाहता हूं। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है,
जब हमने वादा किया था कि लोन माफ करेंगे हम, जब हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम लोन माफ करेंगे, तो किसी को यकीन नहीं हो सकता था कि लोन झारखंड में भी किसानों का माफ होगा। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल साहब को, कि जो आपने वादा किया आज एक साल में कोविड के महामारी के बावजूद लोन माफ करने का काम आपने आज करके दिखाया। जैसे रमेश्वर राव साहब ने कहा, हमने मैनिफेस्टो में कहा था कि सरना कोड को हम लागू करने का काम करेंगे, और बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं पहले साल में विधेयक विधानसभा में पास करने का काम हमारी सरकार ने किया है, आपकी सरकार ने किया है। तमाम ऐसे कार्य, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आपको सब मालूम है कि एक साल में किस तरह बजट पर मार पड़ी है। उस पे मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, परंतु उसके बावजूद जो काम इस सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने झारखंड के वासियों के लिए की है, वो बधाई के पात्र हैं। जितने लोग सरकार में हैं उन सबको मैं आज इस मन से बधाई देने का काम करना चाहता हूं, देना चाहता हूं। ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन में आपको और सौगात जो देने वाले हैं उसकी बात जरूर करेंगे, परंतु अंत में सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी की जो गठबंधन की सरकार है, जो कहती है करके दिखाएगी, ये वादा हमारी सरकार की तरफ से झारखंड के वासियों को है। जय झारखंड, जय भारत। धन्यवाद महोदय। आज यानी 29 दिसंबर 2020 से झार सेवा अभियान प्रारंभ किए जाने की योजना है। अभियान के तहत 31 जनवरी 2021 तक झारखंड सेवा देने गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित प्रदायी सेवाओं के निष्पादन के लंबित सभी मामलों को निष्पादित कराते हुए जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित कराना है। माननीय से अनुरोध है कि झार सेवा अभियान का शुभारंभ बटन दबाकर करें। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झार सेवा अभियान का उद्घाटन 29 दिसंबर 2020 श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री बट से झारखंड सरकार कर पहला साल पूरा हो एक उपलक्ष्य में करल गेलक। अरे मंगरा दादा, सुमरा दादा, सब कोई ध्यान से सुना, हेमंत सरकार कर एक साल पूरा हुए कर मौका में सरकार बटले झार सेवा अभियान शुरू करल जाते। ई का हके? ई हके झारखंड सरकार कर झार सेवा। इकर में सब प्रकार कर सेवा जैसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय आय प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण इत्यादि ऑनलाइन झार सेवा पोर्टल से निकलाल जायला। इकर में सौ स्तर पर देरी कर वजह से परेशानी हुआ थे और लाखों लाख आवेदन पत्र लंबी थके। हेमंत सरकार सौ परेशानी के देखते इकर ले झार सेवा अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, जेकर में एक माह कर भीतरे सौ लंबित आवेदन पत्र कर निष्पादन कर देवल जाये और भविष्य में ससमय सौ सेवा प्रदान करल जाये। इके कहना संवेदनशील और उत्तरदायी सरकार यानी हेमंत सरकार। अब हमें निकर में आवेदन करब और समय सीमा में सेवा कर लाभ उठाब और बगरा जानकारी ले आपन आपन क्षेत्र कर पदाधिकारी कर ऑफिस में जाए के संपर्क करू। झारखंड सरकार राज्य के महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु 181 हेल्पलाइन की शुरुआत कर रही है। इस हेल्पलाइन के द्वारा राज्य में किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित अथवा किसी भी परिस्थिति में फंसे महिलाओं को अविलंब सहायता प्रदान किया जाएगा। यह सेवा दिन रात 24/7 चालू रहेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि महिला हेल्पलाइन 181 का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
इसी प्रतिबद्धता की कड़ी में महिला हेल्पलाइन 181 की शुरुआत की जा रही है। महिला हेल्पलाइन 181 द्वारा राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य किसी भी कठिन परिस्थिति में फंसी महिला को अविलंब सहायता प्रदान किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करते ही संबंधित अधिकारी पीड़ित महिला की समस्या सुनते हैं और तत्काल कार्रवाई शुरू करते हैं। महिला हेल्पलाइन 181 एक एकीकृत हेल्पलाइन है जो 24/7 काम करता है। इसके माध्यम से पुलिस, मेडिकल, एम्बुलेंस सेवा, विधिक सहायता, सखी वन स्टॉप सेंटर से संबद्ध करते हुए सहायता प्रदान कराया जाता है। साथ ही महिला हेल्पलाइन 181 द्वारा महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का ध्यान, सशक्त हो महिला, मिले सुरक्षा और सम्मान। महिला हेल्पलाइन 181 का शुभारंभ किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये दर्शाता है इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार महिलाओं के लिए कितने संवेदनशील हैं। महिलाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, पूरी तरह की सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से कई राज्यों में पिछले 6-7 सालों से महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन हो रहा है, लेकिन इसका आज हमारे झारखंड राज्य में वर्तमान सरकार के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे। महिलाएं तो और भी जोर से तालियां बजाइए, और बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हम महिलाओं के प्रति इतनी ज्यादा संवेदनशीलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आ गया है पूर्ण विकास योजनाओं के उद्घाटन का। आपको बता दें, आज के शुभ अवसर पर यहां पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी लागत 1529.06 करोड़ है। इसमें नगर विकास 965, ऊर्जा 107, उद्योग 78, स्वास्थ्य 45, पर्यटन 52 करोड़। जिला स्तर पर आपको बताएं कि कुल 3823 पूर्ण योजनाएं हैं, जिसकी लागत 2002.60 करोड़ है। दोनों मिलाकर कुल 3882 योजनाओं की लागत 3531.66 करोड़। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन, कृपया विभिन्न विभागों की 20 योजनाओं का उद्घाटन मंच के दाईं ओर लगी पट्टिका का अनावरण कर करें। ये उद्घाटन पूर्ण विकास योजनाओं का, जोरदार तालियां आपके तरफ से। कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन जो पूर्ण हो चुकी है, और इसके माध्यम से लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचने वाली हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, एक फोटोग्राफ ली गई जिसे हम लंबे समय तक याद कर सकें, संजो कर रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। और अब इस समय हम सीधे जुड़ रहे हैं गिरिडीह से, जहां गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति और इनके समक्ष ये उद्घाटन। विधायक जी, हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है जोहर? आवाज आ रही है सर? जोहर सर, गिरिडीह की तरफ से पहली वर्षगांठ पर शुभकामनाएं सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आज सभी जिले में आज के इस शुभ दिन को मनाया जा रहा है, उसके तहत आप लोग के जिले में जो शिलान्यास उद्घाटन हो रहे हैं उसमें आप लोग भागीदारी निभा रहे हैं, और आप लोगों की जलापूर्ति योजना के इस शुभारंभ कार्यक्रम में
माननीय सभी विधायकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर पुनः हम लोगों की ओर से आपको पहले वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए बहुत बधाई। हाँ सरफराज जी कैसे हैं बताइए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत आपको बधाई और आपको एक साल पूरा हो गया इसके लिए शुभकामना, और आने वाले दिनों में भी आप हम लोग और आगे बढ़े, झारखंड आगे बढ़े इसकी शुभकामना हम लोग करते हैं। नहीं नहीं चले चले बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया 80 करोड़ रुपए राशि की लागत वाले 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन बटन दबाकर करें। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालयों का उद्घाटन, कुल 80 करोड़ रुपए की लागत। और अब इसके बाद राज्य सरकार एवं एनडीडीबी के बीच एमओयू संपन्न होना है। एमओयू की अवधि में एनडीडीबी के द्वारा राज्य में डेयरी प्लांट, पशु आहार कारखाना तथा मिनरल मिक्सचर प्लांट आदि की स्थापना तथा जेएमएफ के कार्य क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर मिल्क बूथ पार्लर की स्थापना की जाएगी, जिसके जरिए राज्य सरकार द्वारा सुयोग्य भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग की ओर से आ रहे हैं अपर सचिव श्री सुनील कुमार सिन्हा जी और एनडीडीबी की तरफ से आ रहे हैं एमडी जीएमएफ श्री सुधीर कुमार। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हस्ताक्षर कर आदान प्रदान कर ये एमओयू संपन्न हो रहा है एनडीडीबी एवं झारखंड सरकार के बीच अगले 5 साल तक विस्तारित किए जाने के लिए ये एमओयू। बहुत बहुत धन्यवाद इस एमओयू के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये एमओयू संपन्न हुआ। और अब गृह विभाग के अंतर्गत स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम योजना का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन, 2 छात्रों को बैच लगाकर सम्मानित करें, प्रोत्साहित करें। आस्था कुमारी, तालियां आपकी तरफ से जोरदार। ये नेशनल कैडेट योजना के तहत स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम झारखंड राज्य के 24 जिला के 213 स्कूलों में प्रारंभ किया जा रहा है, और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बैच लगाकर इन्हें सम्मानित कर रहे हैं, इन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। राहुल उरांव, बैच लगाकर सम्मानित कर रहे हैं, तालियां आपकी तरफ से। इनका प्रोत्साहन आपकी तालियां भी करेंगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब स्कूल ऑफ एक्सलेंस का डिजिटल लॉन्च एवं निर्मित भवनों का उद्घाटन संपन्न होगा। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध, कृपया बटन दबाकर कुल 136 करोड़ की लागत वाली 89 विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का उद्घाटन करें महोदय। तालियां होनी चाहिए जोरदार, सभी आवश्यक मूलभूत संरचना यहां मौजूद। और अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया बटन दबाकर 121 करोड़ रुपए की लागत वाले राज्य के स्कूल ऑफ एक्सलेंस का शुभारंभ करें। आदर्श विद्यालय योजना के तहत
राज्य के 27 जिला स्तरीय विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में कुल प्राप्त 120.70 करोड़ की राशि से विकसित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन के कर कमलों द्वारा आज शुभारंभ एवं शिलान्यास किया जा रहा है। आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों के 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय एवं 4091 पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय की स्थापना की जानी है। यह विद्यालय अपने उत्कृष्टता से अन्य विद्यालयों को बेहतर बनाने हेतु प्रेरणा का काम करेंगे। वहीं राज्य के सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले अभिवंचित वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र निःशुल्क उपलब्ध हो पाएगा तथा उनके भावी जीवन के लिए सफलता की आधारशिला के रूप में काम करेगा। 4496 आदर्श विद्यालयों के 15 लाख बच्चों को सीधे तौर पर गुणवत्ता शिक्षा का लाभ मिलेगा। राज्य के 27 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें 17 जिला स्कूल, 3 जिला स्तरीय बालिका विद्यालय, 5 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा 2 अंग्रेजी माध्यम के मॉडल स्कूल, जिसका शिलान्यास कर योजना के शुभारंभ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आज की जा रही है। उन विद्यालयों में उत्कृष्ट आधारभूत संरचना, स्मार्ट क्लास, व्यावसायिक शिक्षा, उत्कृष्ट प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था इन विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि राज्य के प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय में निजी विद्यालय के भांति 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को उत्कृष्ट आधारभूत संरचना के साथ CBSE से संबद्धता प्राप्त गुणवत्ता शिक्षा की व्यवस्था इन सरकारी विद्यालयों के माध्यम से सुलभ हो सके। और अब हरा राशन कार्ड का वितरण झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। प्रति माह 5 किलो चावल इससे अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया चाईबासा के श्री कालिया मुखी जी को हरा राशन कार्ड प्रदान करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में छूटे हुए लोगों के लिए प्रावधान, 15 लाख लोगों को मिलेगा इसका लाभ और गरीबों को 1 रुपया प्रति किलो के दर पर 5 किलो चावल प्रति माह मिलेगा। जोरदार तालियां आपके तरफ से। ये हरा राशन कार्ड प्रदान कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद महोदय। और अब मैं माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी, मैं निवेदन करती हूं श्रीमती फरदीन खातून बड़गाई रांची, साथ में श्री बादल प्रतिलेख जी, श्रीमती फरीदन खातून बड़गाई रांची को इस समय हरा राशन कार्ड प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया बटन दबाकर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ करें, जिसके अंतर्गत दूध मांस अंडा के उत्पादन में वृद्धि लाकर आत्मनिर्भर बनाने का काम हो रहा है। तालियां आपके तरफ से जोरदार। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, वनों से आच्छादित क्षेत्र होने के कारण झारखंड के लोगों में पशुपालन की परंपरा रही है, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पलायन भी यहां की स्थायी समस्या है। दूसरी ओर
कोरोना महामारी के कारण राज्य में वापस लौटे लाखों मजदूरों किसानों को रोजगार देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। इसी पृष्ठभूमि में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर पशुपालक किसानों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आरंभ की गई है। झारखंड राज्य में पारंपरिक रूप से गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर और बतख पालन की परंपरा रही है, लेकिन इसे व्यवसाय की तरह अपनाया नहीं गया है। अतः योजना में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की नई चीजों का समावेश किया गया है। उदाहरण के लिए गोपालन के क्षेत्र में दो दुधारू गाय वितरण, कामधेनु डेयरी फार्मिंग, हस्त एवं विद्युत चलित चैफ कटर वितरण, प्रगतिशील डेयरी कृषक सहायता, तकनीकी इनपुट सामग्री वितरण जैसी चीजों को शामिल किया गया है। इसी तरह बकरा विकास योजना, सूकर सह मत्स्य विकास योजना, कुक्कुट विकास योजना तथा बत्तख चूजा वितरण योजना में भी कई तरह के सहयोग और अनुदान की व्यवस्था की गई है, ताकि राज्य के पशुपालक स्वावलंबी बन सकें और पलायन को पूरी तरह से रोका जा सके। मुख्यमंत्री का है ये नारा, अंडा दूध मांस में आत्मनिर्भर हो राज्य हमारा। तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से, आत्मनिर्भर हो राज्य हमारा, इसी दिशा में हम चल पड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और अब बताएं, सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना के अंतर्गत सभी 60 वर्ष से ऊपर के लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपया बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया लाभुकों के बीच पेंशन का वितरण करें। सबसे पहले रसूलन खातून, डुंडीगढ़ा नामकुम, जोरदार तालियां आपकी तरफ से। यह हमारे वृद्धजन के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, पेंशन प्रदान किया जा रहा है, 1,000 रुपया प्रति माह बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। 60 वर्ष से ऊपर सभी को इसका लाभ मिलेगा। अगला नाम जसिंता तिर्की, केएम रोड नया टोली रांची। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, पहले पेंशन के लिए कई हमारे वृद्धजन छूट जाते थे, लेकिन उनके दुख दर्द को समझते हुए इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर सभी लाभुकों को 1,000 रुपया प्रति माह देने का फैसला लिया गया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे वृद्धजन के लिए, इतनी सेवा भावना के साथ जो पहले छूट जाते थे वो अब कभी नहीं छूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ भी कहना हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं। कहते हैं कि जब सोच लिया ऊंची उड़ान का, जब सोच लिया ऊंची उड़ान का, क्या मापना फासला आसमान का। जी हां, जोरदार तालियां। ऐसे ही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, कुशल खेवनहार की भांति उस किनारे तक ले जाने को तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां इसके भविष्य की संभावनाओं का सितारा साफ साफ झिलमिलाता नजर आ रहा है। नए अंदाज और नए आगाज के साथ हर क्षेत्र में रुचि लेकर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं हमारे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। ईमानदार प्रयास, अपार क्षमता रखते हैं नेतृत्व की, पक्के इरादे वाले, कर्मठ, दृढ़ संकल्प के धनी और युवा शक्ति के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को अब मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर आमंत्रित करती हूं आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए।